एक तरफ गर्मी का पारा लगभग 46 डिग्री के आसपास, चलचलाती धूप की परवाह किए बगैर समाज सेवक सुखदेव मड़ियार निस्वार्थ भावना से नागौर के रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्तों के साथ आने जाने वाले यात्रियों को ठंडा पानी पिलाकर खुश होते हुए नजर आते हैं। जब हमने पूछा कि आपको यह प्रेरणा कहां से मिली तो मड़ियार ने बताया कि रेल में सफर के दौरान रास्ते में आने जाने वाले स्टेशन पर पानी की कमी देखी, एक प्यासे बच्चे को देखकर मन में निश्चय किया। आज हजारों यात्रियों की प्यास बुझाते हैं। प्रतिवर्ष गर्मी शुरू होते ही मानव सेवा मंडल की टीम नागौर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठंडा पानी पिलाने पहुंच जाती है। निस्वार्थ भावना से जल सेवा का यह शुरुआत 18 वर्ष पूर्व रेलवे प्लेटफॉर्म पर की गई। रेलवे यात्रियों को भी ले जाने वाले पानी की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म पर कनेक्शन करवा दिया। इसके कारण अब पानी के टैंकर मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। समाज सेविका व महेश्वरी महिला संगठन की पूर्व अध्यक्षा नीलू खडोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआत में जब हमने जल सेवा शुरू की थी तब हम 3 जनों की टीम थी, समाज सेविका, राम कन्या, मनिहार, सुखदेव मनिहार। आज करीब 50 से अधिक सदस्यों की टीम बन चुकी है। प्रतिदिन सवेरे 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठंडा जल पिलाकर सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम? सुखदेव मणिया। कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं करीब हो गए 15 से 17 साल हो गए। रेड़ा कहाँ से मिले आपको? रेड़ा जब मैं नागौर से सूरत जा रहा था तब रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला, पानी मिला, पानी के आ गया तो वो जो रेल को धोते हैं वो पानी की बोतलें भर के लड़के बेच रहे थे वो मिला। तब मैंने सोचा कि नागौर से कोई भी यात्री जाए तो कम से कम 5-4 ट्रेनों में मैं रोज पानी पिलाऊं, तब से मैं पानी पिला। सुना है कि आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो भी सेवा भावी हैं? हाँ, सब मेरे साथ, मेरी छोटी बहन है, मेरे भतीजे वगैरह सब आते हैं। अभी कोरोना काल के कारण कुछ लोग छूट गए या आ नहीं पा रहे, अभी हमारी ये भाई जो है हमारे साथ थोड़ा सहयोग कर रहे हैं। कैसे मैनेज कर पाते हैं? जैसे आप सब जनता का सहयोग है, नागौर बंसीवाड़े की कृपा है।